बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे किचन में बनी है इजी बीफ कढ़ाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू कुकिंग में। कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली इंशाल्लाह ताला सब खैर खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। हम भी आपकी दुआओं से अल्लाह का शुक्र है खैर खैरियत से हैं। तो भाई आज हमारी किचन में बहुत ही इजी मेथड के साथ कढ़ाई बनी है, जो हमारा ट्रेडिशनल अंदाज़ है, बिल्कुल सेम उसी अंदाज़ को फॉलो करते हुए मैंने ईजी बीफ कढ़ाई बनाई है। होपफुली कि आपको ज़रूर पसंद आएगी, ज़रूर उसको ट्राई करके देखिएगा। तो चलिए टाइम को ज़ाया किए बगैर हम चलते हैं फ्लेम की तरफ और देखते हैं कि हमारी इजी बीफ कढ़ाई कैसे रेडी हो रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 1 किलो मैंने तकरीबन गोश्त लिया है और इसमें मैंने 25 से 30 कलियां लहसुन की डाली हैं, 2 इंच का अदरक का पीस है, 1 टीस्पून भर के नमक डाला है और 1/2 ग्लास में इसमें पानी डालूंगी और इसको हल्की आँच पर चढ़ा दूँगी। ये गलता है, फिर आपसे मिलती हूँ। अच्छा जी, मेन इंग्रेडिएंट्स में देखिए मैंने 4 टमाटर लिए हैं, नॉर्मल साइज़ के हैं। अच्छा, इसके अलावा मैंने 1/2 प्याली जो है टमाटो पेस्ट लिया है और ये जो है मेरे पास 2 किस्म की मिर्चें हैं। और मिर्चें आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, मैंने तकरीबन 12-15 ली हैं, ठीक है। और 1 अदरक का पीस है जिसकी मैं जूलियन कटिंग करूँगी। अच्छा जी, आप मसालों में भी चीज़ें नोट कर लें। ये देखिए मैंने जो है 1 टीस्पून जो है काली मिर्च ली है, जिसको मैं क्रश कर लूँगी। अच्छा, ये मैंने जो कढ़ाई मसाला बनाया था वो मेरे पास है, वो उसमें से मैंने 1 टेबलस्पून भर के लिया है। इसके अलावा 1 टीस्पून नमक मज़ीद जाएगा। अच्छा जी, नमक और जो मिर्च है इसको आप अपने हिसाब से कम और ज़्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से, ठीक है। बस ये टोटल चीज़ें यही थी। चलें जी, गोश हमारा गल गया है। मैंने 1 कप ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया था, बस अब इसमें मैं डालूंगी 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और साथ ही जो है मैं इसमें बॉयल किया हुआ गोश जो है वो डाल दूंगी और उसके बाद हमने इसको तेज़ आंच पे ही जल्दी जल्दी से हल्का सा भूनना है। अच्छा, आँच हमने ज़्यादा कम नहीं करनी है इसकी, ठीक है, बस मीडियम या फिर जो है हाई पे रखना है। बस ये देखिए हो गया था, मैंने इसमें मिर्चें डाली हैं, मिर्चें डाल के थोड़ा सा इसको फ्राई करूँगी और जब मिर्चें इसमें फ्राई हो जाएंगी तो बस फिर मैं इसमें टमाटर डाल के और थोड़ी सी देर के लिए इसको बंद कर दूँगी और हीट इसकी मीडियम ही रखूँगी, ठीक है। अच्छा, टमाटर में मैंने बीच में से कट लगाए हैं, ये आपको मैं दिखा भी रही हूँ, देख लीजिएगा आप, ठीक है। देखिए जी, ये हो गया। बस अब मैंने इसमें देखें पहले टमाटर प्योरी डाली है, उसके बाद मैंने टमाटर डाले हैं और चंद एक हरी मिर्चें डाली हैं। बस अब मैं इसको ढक के रख देती हूँ लो मीडियम हीट पर थोड़ी सी देर के लिए, ताकि टमाटर हमारे गल जाएं, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। ये देखिए जी, टमाटर गल गए थे, मैंने इनकी स्किन उतार दी है। बस अब मैं इसको इससे जो है ना हल्का हल्का जो है क्रश करती जाऊँगी, ताकि टमाटर जो है ना गलते जाएँ, और साथ साथ मैं इसको भूनती भी रहूँगी ताकि टमाटर मज़ीद जो है ठीक ठाक गल जाएँ। ये देखिए जी, टमाटर इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं। बस अब हमने इसको जल्दी जल्दी भूनना है ताकि इसका पानी खुश्क हो जाए। बस जैसे ही पानी खुश्क होता है तो ये रेडी हो जाएगा और बस उसके बाद फिर हमने इसमें डालना है काली मिर्च और वो जो हमने मसाला लिया था, ये देखिए मैंने डाल दी है, ठीक है। बस अब इसको मैंने थोड़ा सा और चलाना है ताकि इसमें ये जज्ब हो जाए और थोड़ा खूबसूरत सा कलर आ जाए, ठीक है। बस ये हमारी जो है देखिए रेडी हो गई है। देखिए कितना ज़बरदस्त इसका कलर उठ रहा है। मैंने कोई चीज़ें और इसमें नहीं डाली, ना कोई मसाले डाले हैं और ना ही मैं इसमें कसूरी मेथी डालूंगी, लेकिन ये बहुत ज़बरदस्त बनी है, ज़रूर आप इसको ट्राई कीजिएगा। ऊपर से मैं अब इसमें जो है गार्निशिंग के लिए थोड़ी सी अदरक जुलियन कट की हुई, हरी मिर्च अच्छे और क्या कहते हैं हरी धनिया डालूंगी और ये हमारी हांडी रेडी हो गई है। बस अब मैं इसको आपके फाइनल लुक दिखाती हूँ। चलिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए इसकी फाइनल लुक आ गई है, तो होपफुली कि आपको पसंद आएगी। आपने देखा कि कितने कम इंग्रेडिएंट्स के साथ और कितनी इजी मेथड के साथ ये बनी है, ठीक है। और यकीन करें इसकी बोटी इतनी जूसी और टेस्टी है कि मैं बता नहीं सकती ना। जब आप ट्राई करेंगे तो आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा, ठीक है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो उन्हें लाइक और शेयर देना बिल्कुल मत भूला कीजिए। और आप में से जो मेरे चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो चले मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह ताला फिर किसी और धमाकेदार कंटेंट में मुलाकात होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।